आप सबको मेरा नमस्ते। आज हमने कुछ नया रेसिपी ट्राई किया है। वीडियो कैसा लगता है एंड तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमने सबसे पहले दो प्याज लिए हैं, ये मीडियम साइज़ प्याज हैं। इसको गोल गोल करके काटेंगे। इस प्याज को पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटे मोटे काटिए जिससे पकौड़े का पेस्ट बाहर नहीं निकले। देखिए ऐसे गोल गोल करके निकाल लिए सबको। और हम ये सबको निकाल के एक जगह रख लेंगे। देखिए ऐसे ही सेव करना है। अब हमने गेहूं का आटा लिया है, इसमें थोड़ा सा हल्दी रख ली। उसके बाद में थोड़ा सा नमक और जीरा, थोड़ा सा अजवाइन और हम प्याज और टमाटर की पेस्ट बनाएंगे जो इसके ऊपर डाल रहे हैं। एक लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा रख के मैंने ये पेस्ट तैयार कर लिए। अब इसको हम मिक्स करेंगे। अब हम इसके ऊपर कुछ मसाले डालेंगे। इसमें मैं गरम मसाला और मैगी मसाला डाल रही हूँ। आप लोग चाहो तो कुछ भी मसाला डाल सकते हो जो पकौड़े के लिए डालते हैं। और हमने कश्मीरी मेथी और थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा सूखा लग रहा है इसलिए इसमें पानी डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालिए। इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से चलाते हुए। और थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया है, ये सरसों का तेल है। हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब हमने प्यान को गर्म करने के लिए रख दिया था। फिर इसमें तेल डालेंगे और ये प्याज डालेंगे जिसके ऊपर हम पकौड़े का पेस्ट डालेंगे। देखिए ऐसे ऐसे करके डालना है, ये बिल्कुल नया रेसिपी बनेगी। हमने भी पहली बार ट्राई किया है। ये झटपट सा बनने वाली रेसिपी है। आपको कभी भी चटपटा खाने का मन हो तो ये बना सकते हैं, जल्दी से बन जाती है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। ऐसे में उल्टा भी नहीं कर सकती, इसका पेस्ट इधर उधर हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अब ढक के पकाने वाली हूँ। एक तो मैंने पलट लिया, फिर मैं इसको ढक के पकाऊंगी। कवर करने के बाद थोड़ा सा ये पकने लगे हैं। देखिए हमारा प्याज भी निकल रहा है। ये शायद मैंने पेस्ट ज़्यादा डाल दी इसलिए प्याज पकड़ ही नहीं रहा है। देखिए देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। ये हमारे झटपट से पकौड़े ये तैयार होने वाले हैं। ये हमारे पकौड़े पक गए हैं। देखिए कितना अच्छा दिख रहे हैं। हमारा थोड़ा सा ये पेस्ट बचा हुआ था, इसका मैंने आलू चप बना लिया। आलू को ऐसे लंबे लंबे शेप में काटते हुए मैंने हमारा आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।